जरा चेक करके बताओ क्या इसमें ग्राफिक्स आया और लाइट दोनों आया? हेलो गाइस, तो वेलकम टू वेक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नई इंफॉर्मेशन से रूबरू कराएंगे। तो पहली चीज ये है कि आप लोग जैसा कि जानते हो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको एक परफेक्ट लेवल पर सीखने को मिलता है। तो आप अगर हमारी एक भी वीडियो देखते होगे, हम कोई वीडियो ऐसी भी नहीं डालते जिससे आप लोगों को सीखने को ना मिले। हमारी एक एक वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। इसी तरीके से आज की ये जो वीडियो है लाइट सेक्शन पे होगी, और आज के बाद आपके पास जो भी लाइट सेक्शन आएगा उस पर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ वर्क कर सकोगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं ये फोन हमारे एक स्टूडेंट से कलेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले ये फोन किसका है? मेरा सर। आ जाओ। देखो, इस फोन के बारे में पहले हम जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार फ्रॉम झारखंड सर। चंदन कुमार फ्रॉम झारखंड। अच्छा, ये फोन आपके पास कब आया था और कैसे आया? एक साल पहले आया था। एक साल या दो साल? इस पे जैसा लिखा है 30 तारीख चौथा महीना 2022। 2022 के बाद आज 2024 है, तो ये पूरे दो साल का होने वाला है। सिर्फ 20 दिन कम है। क्या सही है ये? सही बात है। ये किसने लिखा है? स्टाफ ने लिखा, दुकान का। दुकान के स्टाफ ने लिखा है। अच्छा, तो फिर ये दो साल से आपके पास पड़ा हुआ है। कस्टमर तो काफी बार बोला होगा आपको। क्या लगेगा अगर ये फोन आपका सही हो जाएगा? तो बढ़िया लगेगा सर। अच्छा लगेगा, होना चाहिए। अच्छा, जैसा आज आपने लाइट सेक्शन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि आपको ये फोन बनेगा? 100% बनेगा। अच्छा, आज जो आप खुश थे, क्या रियली सच्ची दिल से खुशी थी वो लाइट सेक्शन में? जी सर। चलो बैठ जाओ, देखते हैं फिर। अच्छा सर, एक काम करो, ये जरा दिखाओ जरा कि इसमें क्या एक्चुअल बात, फंडा क्या है। इसमें तारीख पड़ी है, इसमें कोई नाम लिखा है बेगम करके, बाकी आगे का नाम समझ नहीं आ रहा। LCD लाइट का प्रॉब्लम है 30/4/22। मतलब ये जो फोन है 30 तारीख चौथा महीना 2022 को इनके पास ये कलेक्ट हुआ, और 2022 के बाद 2023 निकल गया, 2024 आने वाला है। तो इस तरीके से इनके 2024 आ गया, सॉरी, और ये आज जो वीडियो बन रही है इसका पूरे के पूरे इसको 20 दिन होने के बाद दो साल का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये फोन हमारा पूरा प्रॉपरली ऑन है या नहीं। तो सर, सबसे पहले इनको DC रीडिंग जरा दिखाएं कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये फोन हमारा ऑन है या नहीं। और ऑन की रीडिंग मैं आपको ऑलरेडी काफी टाइम पहले भी बता चुका हूं कि ऑन की रीडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्टर देखते हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जब कनेक्ट करते हैं तो देखो, हमारा ये जो DC मशीन में ऑटो एम्पियर है ये नहीं लेना चाहिए। कोई नहीं सर, फोन भी दिखाओ। अब इसका जो है पावर की का फ्लेक्स टूटा हुआ है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको यहां से करंट देंगे। देखो, ये डीसी मशीन की रीडिंग जो आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड में पावर की प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हुआ। देखो, ये डीसी मशीन की रीडिंग है, यहां से ये हिल रहा है इसको पहले पकड़ते हैं इसे। ये देखिए, अब ये जो कंडीशन है, अगर ये हमारा 400 से ऊपर निकल गया, और 400 से ऊपर निकलने के बाद अप डाउन करेगा, तो समझ लेते हैं कि ये फोन हमारा ऑन हो जाएगा। इसमें कुछ दिख रहा है हमारे को या नहीं दिख रहा? 254 पे ये स्टक हुआ, और इसको हम क्या करते हैं, एक जरा लाइट जला के दो फोन की, देखते हैं इसमें। ये हमें कुछ इसकी स्ट्रकिंग की रीडिंग भी है, लेकिन आप देख पाओगे तो इसमें ऑनर दिख रहा है। देखो, ये रीडिंग भी ऊपर हो गई, 350, 400, 700, 1 एम्पियर। मतलब ये टोटल मिला के, ये देखो, इसमें अगर आप देख पा रहे होगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपको शायद कैमरे में ना दिखाई दे रहा हो, इसमें ऑनर लिख के आ रहा है बकायदा। ये देखिए, आ रहा है ना, ये देखो, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इस फोन पे आज वर्क करने वाले हैं कि इसमें लाइट का फॉल्ट है, और ये जो लाइट का फॉल्ट है हम इसका लाइव बताएंगे। लाइट के फॉल्ट के साथ साथ आपको पूरा सर्किट भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये सर्किट वर्क कैसे करेगा और पूरा प्रॉपरली इसका वर्किंग प्रोसेस समझाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे लैपटॉप की स्क्रीन के साथ। हाँ जी, तो सबसे पहले आज हम लाइट सेक्शन को समझने वाले हैं। तो लाइट सेक्शन में एक लाइट आईसी होती है जिसको हम बोलते हैं सिक्स लैग लाइट सर्किट। सिक्स लैग लाइट सर्किट में दो सर्किट होते हैं, एक होता है फर्स्ट सर्किट और एक होता है हमारा सेकेंड सर्किट। ये जो हमारा फर्स्ट सर्किट होता है ये हमारे पहले के ओल्ड फोन में यूज होता था, और ये आजकल के न्यू फोन्स में यूज होता है, और मैं आपको ये दिखाऊंगा ये आईसी कितने ज़्यादा फोन्स में यूज होती है। दूसरी चीज़ है पीएमआई पीएमएल। जब भी हमारा एक क्वालकॉम का फ़ोन होगा, क्वालकॉम सीपीयू, तो उस कंडीशन में उसमें पीएमआई या पीएमएल करके आईसी लगी होगी। पीएमआई आईसी कुछ इस तरीके की दिखती है, पीएमआई 632, और पीएमएल आईसी कुछ इस तरीके की होती है पीएम 660L, पीएम 6150L, पीएम 7150L। इस तरीके से ये PML IC भी होती है। और उसके बाद MediaTek में, MediaTek में एक IC यूज़ होती है MT63P, लास्ट में P लिखा होता है। देन उसके बाद एक D6 करके लाइट IC होती है, एक D8 करके लाइट IC होती है, एक D9 करके लाइट IC होती है। ये हमारी कुछ लाइट ICयां होती हैं जो हमारे मदरबोर्ड में IPS डिस्प्ले में यूज़ होती है। मदरबोर्ड में IPS डिस्प्ले, देखो दो तरीके की डिस्प्ले होती है हमारी, एक होती है IPS, दूसरी होती है AMOLED। तो आज हम IPS डिस्प्ले के लाइट सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ देखो क्या होता है कि हमारा जो लाइट आईसी है, हम सबसे पहले इस फ़ोन को समझेंगे। ये जो फ़ोन है हमारा, वो फ़ोन है हमारा रेड, यहाँ पर जो फ़ोन है ऑनर का 7A। तो हमारा ये जो ऑनर का 7A फ़ोन है, हमें इसका जहाँ तक पता है इसका स्कीमेटिक ठीक नहीं है, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कीमेटिक की माध्यम से जो हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन है और हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करेंगे। कितनी स्टेप में आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। हवावे का फ़ोन होता है ऑनर 7A, इसमें जाएंगे हम, इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसका कंपोनेंट नेम खोल लेते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए ये जो बोर्ड है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हम इस बोर्ड को भी समझेंगे और इसमें लगने वाली लाइट आईसी को भी समझेंगे, देखेंगे और इसमें क्या होता है। इसमें ना सिक्स लैग की लाइट आईसी लगी हुई है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर, जो सिक्स लैग का हमारा AL65 वाला सर्किट है, AL65 करके आईसी का नाम होता है। और ये आईसी हमारे कितने फोन्स में यूज होती है ये चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखिए AL65 ये आईसी हमारे इतने सारे फोन्स में यूज होती है। ये देखो Y15, Y50, A15, A31, A35, 32, इतने सारे फोन्स में ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, कितने फोन्स हैं इनको गिनते गिनते हम थक जाएंगे, लेकिन ये आईसी इतने सारे फोन्स में यूज़ होती है। अब अगर देखोगे तो इसमें आपको कई सारे फ्लैगशिप फोन्स भी मिलेंगे जिनमें ये आईसी यूज़ होती है। देखो 5G फोन्स, 5G फ़ोन में हॉट 20, ये 5G फोन्स में यूज़ होती है। इस तरीके से ये कई सारे ऐसे फोन्स में यूज़ होती है जिन फोन्स में हमें समझना चाहिए, बस खाली हमारे को सर्किट को समझना है। देखो अब हमारे पास इसका जो स्कीमेटिक है वो इसका प्रॉपर स्कीमेटिक नहीं है, क्योंकि इसका जो स्कीमेटिक है वो रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका, हम लेआउट खोलते हैं, लेआउट खोलेंगे और इसका कंपोनेंट नेम को मैच करेंगे, कंपोनेंट जो इसका बोर्ड है उसको मैच करेंगे लेआउट के साथ। तो हम अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये लेआउट का मेन इंटरफेस है, यहाँ पर आपको एक कनेक्टर मिल रहा है और यहाँ पर बैटरी कनेक्टर मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल बात क्या है, इस फोन के अंदर हमारा ये देखिए यहाँ पर हमारे दो कनेक्टर हैं, एक हमारा B2B कनेक्टर है, एक हमारा LCD कनेक्टर है। तो हमारे दो कनेक्टर हैं एक्चुअल में, तो इसका लेआउट है ख़राब।
लेकिन पहले हम सर्किट को समझेंगे। सर्किट हमारा क्या कहता है, सर्किट हमारा कहता है सबसे पहली चीज, इस किसी भी एक फोन को, जितने फोन अभी हमने देखे उसमें से कोई भी एक फोन उठा लेते हैं, चलो ओप्पो का A1K उठा लेते हैं, छोटा सा फोन है, उसी के माध्यम से हम इस आईसी को समझेंगे और आगे फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ इस आईसी का वर्क समझेंगे कैसे ये काम करती है और हम कैसे एक लाइट सेक्शन की लाइट आईसी को स्कीमेटिक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये समझेंगे कि स्कीमेटिक के थ्रू किसी भी लाइट आईसी को कैसे फाइंड करना है। तो इसके इसे करने के लिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ, थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसकी आउटपुट की कोडिंग्स का पता होना चाहिए जो इसके अंदर आउटपुट्स होते हैं। देखो लाइट सेक्शन स्कीमेटिक कोडिंग, पहली कोडिंग का नाम है, जो हमारी लाइट सेक्शन की पहली कोडिंग है, इस कोडिंग का नाम है हमारा LEDA, LED एनोड बोलते हैं इसको, और इस ट्रैक के अंदर हमारा 250 ओम से लेकर 800 GR आना चाहिए और इसमें ऑन कंडीशन पे 15 वोल्ट से लेकर 40 वोल्टेज तक आना चाहिए। दूसरा इसकी एक और कोडिंग है LED K, अब K की K1 एक लाइन भी हो सकती है, K2 दो लाइन भी हो सकती है, लेकिन इस आईसी में आपको एक ही लाइन देखने को मिलेगी LED K, और 6 लेग के लिए, सिर्फ और सिर्फ 6 लेग के लिए ये आईसी, इस आईसी में GR आएगा आपका 4 से लेके 10 तक, और ये एक लो GR लाइन होगी। लो GR लाइन क्यों होगी इसको आगे समझाएंगे, और इसके में इसके साथ अगर बीप मोड पे चेक करोगे तो बीप भी आएगी, लोग कुछ लोग इस लाइन को शॉर्ट समझ लेते हैं। थर्ड CABC या फिर PWM या फिर CTRL, ये एक इस तरीके एक तरीके का ये इनेबल है, इसको जो मिलता है इसका जो GR होगा वो होगा हमारा 250 से लेकर 800 प्लस 1.8 वोल्टेज। अब हम बात करते हैं ये तीन कोडिंग्स, इन तीन कोडिंग्स के थ्रू हम किसी भी मॉडल में एनी मॉडल लाइट आईसी को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं। देखिए फाइंड कैसे करना है उस चीज को हम समझते हैं। अभी हमने क्या करना है, इसमें चलते हैं स्कीमेटिक में। तो सबसे पहली चीज, हमें लाइट आईसी को फाइंड करने के लिए हमें डिस्प्ले कनेक्टर की नीड होगी, तो इसमें हमको दो कनेक्टर मिल गए। अब इसमें एक हमारा होगा डिस्प्ले कनेक्टर, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये पूरी तरीके से कॉपी नहीं हो रहा एक बार सही से, फिर भी हम इतना ही सर्च कर देते हैं तो भी हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने पर ये यहाँ पर टीपी पॉइंट दिखा रहा है, फिर नेक्स्ट करेंगे नहीं दिखा रहा, तो हमें इसमें टाइप करना पड़ेगा मैनुअली J901। नेक्स्ट किया, देखो इस पर क्या लिख के आया, मेन LCM या CTB कनेक्टर, LCM मतलब मेन LCD या CTB कनेक्टर। देखो अगर आपको ये कोडिंग समझ नहीं आती, ये जितनी भी कोडिंग्स हैं अगर ये समझ नहीं आती तो हमारे चैनल पर जाकर ग्राफिक सेक्शन का वीडियो देख लो, वहाँ पर आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी ID की लाइन्स है और ये हमारा, अब बात करते हैं हम लाइट सेक्शन की, तो लाइट सेक्शन की कोडिंग को समझते हैं। हमने आपको तीन कोडिंग्स बताई थी, एक कोडिंग का नाम है LEDA, एक कोडिंग का नाम है LED K और एक कोडिंग का नाम है CABC। तीनों की तीनों कोडिंग आपको डिस्प्ले कनेक्टर पर मिलेंगी और आप किसी भी एक कोडिंग को कॉपी करके नेक्स्ट करोगे तो आप लाइट आईसी तक पहुंच जाओगे। और ये लाइट आईसी है एक 6 लेग आईसी की लाइट आईसी जो कि हमारी इस फोन में यूज हुई है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए ये एक हमारी
सिक्स लेग लाइट आईसी है और इसको अभी हम फाइंड आउट करेंगे, इस आईसी को पूरा समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें इस आईसी को समझने के लिए बड़ा ही डीप लेवल में समझेंगे हम इस आईसी को। देखिए लाइट सेक्शन, तो सबसे पहले हम एक आईसी बनाते हैं। हमने ये सिक्स लेग की लाइट आईसी बनाई और हमने ये जो काउंटिंग की है इसको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। दूसरी चीज़, एक डीसी डीसी की हमें नीड होगी जो कि एक बीक्यू आईसी है, इस फ़ोन में लगी हुई है। और हमारा इस फ़ोन में एक और 24 और 14 नंबर की लेग बनाई है हमने, एक 16 नंबर की लेग बनाई है। देखो सबसे पहली चीज़ हमारा VPH बैटरी लगाकर ही बन जाता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद हमें यहाँ पर जो 6 नंबर है यहाँ पर वोल्टेज इन होना चाहिए, कौन सा? सिस्टम का वोल्टेज। सिस्टम मतलब 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज तक इस 6 नंबर पे आना चाहिए। कहाँ कैसे, चलो इसमें भी दिखाते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारा ये जो लाइन है, ये देखिए सिस्टम VSIS, ये लाइन यहाँ से होकर एक 6 नंबर की लाइट पे गई, फिर यहाँ से इस कॉयल, ये कॉयल इंटरनली शॉर्ट होती है, तो ये जो वोल्टेज यहाँ पर आया है वो वोल्टेज यहाँ पर भी आएगा, तो ये ट्रैक हमारा यहाँ पर भी जाएगा सेम वोल्टेज। फिर ये डायोड जो कि हमारा एक फॉरवर्ड वॉइस में लगा हुआ है, तो इसमें भी वोल्टेज आगे जाएगा यहाँ पर, ये जो वोल्टेज यहाँ पर है सेम वोल्टेज यहाँ पर भी जाएगा। फिर दो पैरेलल कनेक्शन के कंपोनेंट लगे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, एक जीरो ओम्स का रजिस्टर लगा है, उसके बाद LED एक ही सप्लाई बना है जो कि हमारा डिस्प्ले LCM कनेक्टर पे जाता है, डिस्प्ले कनेक्टर। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसको हम समझते हैं। देखो इसको एक कॉयल लगी है, तो इस कॉयल के थ्रू ये वोल्टेजेस यहाँ पर भी जाएगा जो कि एक स्विचिंग की लाइन है, और फिर उसके बाद एक डायोड में जाएगा, और इसके बाद दो कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, इस कैपेसिटर पे जाएगा, एक जीरो ओम्स का रजिस्टर लगा है यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, ये जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है इस पे 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज तक मिलना चाहिए। अगर ये मिल गया हमारा सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगाकर ऑफ कंडीशन पे, फोन को ऑन नहीं किया अभी हमने, ऑफ कंडीशन पे हमारा ये वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब हमारा ट्रैक कहीं ना कहीं ओपन है, ट्रैक ओपन है, या फिर इस डायोड को किसी झोला छाप टेक्नीशियंस ने हटा के उल्टा लगा दिया, मतलब ये जो माइनस वाला ट्रैक है इसको इधर कर दिया, और ये जो एनोड है इसके दो सिरे होते हैं, एक होता है एनोड प्लस और एक होता है माइनस के थोड़, तो ये इस साइड इसी तरीके से लगता है। उसके बाद ये हो गई हमारी ऑफ कंडीशन टेस्टिंग। ऑफ कंडीशन पे आपने क्या करना है, डायरेक्टली जाना है और डिस्प्ले कनेक्टर पर किसी भी एक पैड पर 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज चेक करना है। अगर ये आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो हमने आगे कैसे काम करना है वो चीज़ को समझेंगे। दूसरी चीज़ हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, फ़ोन को ऑन करेंगे, तो फ़ोन को ऑन करने के लिए हम चार्जर भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम फ़ोन को किसी भी तरीके से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमारा यहाँ पर एक और लाइन है, इसको हम बना लेते हैं। ये ट्रैक है हमारा एक नंबर का फीडबैक का ट्रैक जिसमें लगा होता है एक रजिस्टर। इस रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, इस रजिस्टर की वैल्यू होती है हमारी 4 ohms to 10 ohms, और इसी कंडीशन से ये एक लो GR लाइन है। लो GR लाइन का मतलब इस ट्रैक में बीप भी आएगी क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, और कुछ लोग इसको शॉर्ट समझ के हटा देते हैं, उनको पता नहीं ये कितना वर्क करता है। इसका काम होता है ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, हमारे फ़ोन में कभी कभी अगर ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होती तो वो इसी ट्रैक से काम करती है। उसके बाद हमारा ये LED K का ट्रैक होता है जो फीडबैक का काम करता है इसी फ़ोन में बस, और बाकी ये होता है हमारा ग्राउंड। अब जब हम फ़ोन को ऑन कर देंगे, ये ट्रेसिंग बता रहा हूँ मैं आपको ऑन कंडीशन की, ये ट्रेसिंग है हमारी ऑन कंडीशन की। जब हम फ़ोन को ऑन कर देंगे, फोन को हम ऑन कंडीशन पे डाल देंगे, जब हम फोन को ऑन कंडीशन पे डाल देंगे तब हमारा क्या होगा, जब हम फोन को ऑन कंडीशन में करेंगे तो हमारा एक
यहां से एक ये जो पांच नंबर का जो ट्रैक है जो डिस्प्ले से कनेक्टेड होता है, जिसको हम सीएबीसी की लाइन बोलते हैं, इसको सीटीआरएल भी बोलते हैं कंट्रोल, ये ट्रैक यहां से आता है और इसको मिलता है एक 1.8 वोल्टेज। जैसे ही इस आईसी को ये 1.8 वोल्टेज मिलेगा यहां पर, उसके बाद ये आईसी करेगी स्विचिंग और स्विचिंग करके यहां पर बनेगी फ्रीक्वेंसी, जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर यहां तक हम पहुंचे इस फोन में तो यहां पर बनेगी फ्रीक्वेंसी, और अगर ये फ्रीक्वेंसी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये आईसी वर्किंग है और ये कॉइल भी वर्क कर रही है। जब ये फ्रीक्वेंसी बनेगी तो इस साइड अब भी वोल्टेज होगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक, अब भी 3.7 से 4.2 वोल्टेज ही है। लेकिन जब यहां पर ये फ्रीक्वेंसी बनेगी, ये डायोड काम क्या करेगा, ये डायोड स्विचिंग का काम करता है, ये इसी फ्रीक्वेंसी को, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी बनेगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहां पर 15 वोल्ट से लेकर 40 वोल्टेज तक बनाता है और यही वोल्टेज यहां पर आके लाइट को जला देते हैं, फिर हमारे ग्राफिक्स में लाइट आ जाती है। तो कितना इजी सर्किट है ये और कितना आसान है। अब बात करते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करें, कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने का लाइट सेक्शन ट्रबल शूटिंग प्रोसेस स्टेप वन। इसको कुछ स्टेप में चेक करते हैं। पहला, कोल्ड टेस्टिंग करना है एलसीडी कनेक्टर पर ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में मतलब डायोड मोड पे डाल के। डायोड मोड पे डालोगे तो इसमें हमारा एक रेड प्रोब को करोगे ग्राउंड और ब्लैक प्रोब को करोगे टारगेट पे। एलईडी ए, एलईडी एनोड, एलईडी एनोड का जीआर होना चाहिए 250 से लेकर 800 और एलईडी कैथोड, कैथोड मतलब एलईडी के, एलईडी के का जीआर होना चाहिए 250 से लेकर 800 और सीएबीसी, सीएबीसी का भी सेम जीआर होना चाहिए, तीनों का सेम जीआर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जीआर नहीं मिलता तो क्या करें। देखो, एक कभी कभी आपको ऐसा होगा कि जीआर मिला तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रैक ओके, ये ट्रैक ओके, ऐसा नहीं कि वर्क कर रहा है ये ट्रैक ओके कंडीशन में। ओएल, अगर कहीं पर ओएल मिला तो ये ट्रैक ओपन है, उस कंडीशन में हमें सारे सीरीज चेक ऑल सीरीज कंपोनेंट्स, क्या चेक ऑल सीरीज कंपोनेंट्स, इफ ओके देन आगे बढ़ो, अगर ये ओके है देन आईसी की रिमूव, आईसी को रिमूव करना है और पैड टू पैड कनेक्टिविटी को चेक करना है। अगर ये भी ओके है, इफ ओके देन चेंज आईसी, ठीक है। अप डाउन जीआर, लीकेज कंडीशन है और चेक ऑल पैरेलल कंपोनेंट्स, अगर सारे पैरेलल कंपोनेंट्स ठीक है इफ ओके देन चेंज आईसी, उसके बाद आईसी को चेंज कर दो। लीकेज कंडीशन, शॉर्ट कंडीशन में भी एक यही सीन होता है, 0-0 की रीडिंग आती है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कंडीशन। इसमें भी चेक ऑल पैरेलल कंपोनेंट्स, पैरेलल कंपोनेंट्स वो जिनका एक सिरा ग्राउंड होता है और एक सिरा किसी ट्रैक से कनेक्टेड होता है, उसके बाद अगर ये भी ठीक है तो आईसी को चेंज करें। ये हो गई हमारी स्टेप वन। देखो, सॉल्यूशन आपका स्टेप वन में ही हो जाएगा। अगर स्टेप वन से काम नहीं होता, आगे आ जाओ। स्टेप टू, लाइट सेक्शन हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग कैसे करनी है, हमने हॉट टेस्टिंग करनी है इस तरीके से, हमने ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना है और रेड प्रोब को टारगेट पे रखना है। इस कंडीशन में वोल्टेज को डीसी मोड पे सेट करना है। डीसी मोड पे जब सेट करेंगे तो एलईडी एनोड पे ऑन कंडीशन पे 15 वोल्ट से 40 वोल्टेज आना चाहिए। एलईडी कैथोड पे हमें वोल्टेज चेक नहीं करना, जीरो वोल्टेज आता है। सीएबीसी पर हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। ये तीन तरीके की वोल्टेजेस हमें देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद सीए, अगर एलईडी ए पर फिर भी 3.1 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेजेस आती है तो हमें क्या करना है, इसका मतलब है नो बूस्ट वोल्टेज, वोल्टेज बूस्ट ही नहीं हो रहा है। और जब बूस्ट नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे सीएबीसी की लाइन, क्योंकि सीएबीसी की लाइन ही हमारी आगे जाती है। अगर सीएबीसी ओके है देन नेक्स्ट स्टेप पे काम करेंगे, चेक आईसी रिक्वायरमेंट, सारी आईसी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, आईसी का रेक्टिफायर डायोड चेंज करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट पूरी ओके हैं तो आईसी चेंज, रेक्टिफायर डायोड जो हमारा डायोड स्विचिंग करता है, अगर ये भी ठीक है तो बूस्ट कॉइल को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आईसी, आईसी के अकॉर्डिंग 22.2 माइक्रो हेनरी, 4.7 माइक्रो हेनरी और 10 माइक्रो हेनरी। इस आईसी में जो कॉइल लगी होती है वो 10 माइक्रो हेनरी की लगी होती है। आगे बढ़ते हैं, चेक ऑल आईसी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आईसी, आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करना है अकॉर्डिंग टू आईसी, आईसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसी भी आईसी के अकॉर्डिंग हो गई। अब बात करते हैं, अगर देखो काम यहां से बन जाएगा, यहां से स्टेप टू से काम हो जाएगा, नहीं होता है फिर आ जाओ आगे। लाइट सेक्शन ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, लाइट आईसी का कोल्ड टेस्टिंग
चेकिंग कैसे करना है। देखो आईसी जब आप हटा दोगे तो आपको यहाँ पर जीआर मिलना चाहिए 4 से लेके 10 तक प्लस बीप भी मिलेगी अगर बीप मोड पे चेक कर रहे हो। इस साइड और इस साइड, इन दोनों साइड हमें जीआर मिलना चाहिए 250 से लेकर 800 दोनों पैड पर, और इस पैड पर हमें ओएल मिलना चाहिए, कोई वोल्टेज। स्टेप 4 है, ये 3 लिखा हुआ है लेकिन आप स्टेप 4 कर लेना इसको। स्टेप 4, लाइट सेक्शन ट्रबल शूटिंग प्रोसेस हॉट टेस्टिंग ऑन कंडीशन। इसको हम ऑन कंडीशन पे भी कर सकते हैं लेकिन इसको चाहे तो हम ऑफ कंडीशन पे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही ट्रैक आ रहे हैं, तो इस पे भी कोई जीआर नहीं, सॉरी कोई वोल्टेज नहीं। इस पे वोल्टेज आएगा 3.7 से 4.2 जो कि आपको ऑफ कंडीशन पे भी मिल जाएगा, और ओएल इस पे ओएल आएगा, कोई भी वोल्टेज नहीं। इस तरीके से आपको इतनी स्टेप में आप काम कर सकते हो। तो चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम इस फोन में ट्रबल शूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं स्टेप वन से। स्टेप वन कहता है LDA की लाइन को चेक करो, LDK को चेक करो और CABC को चेक करो, ठीक है। इसकी हम चेकिंग करते हैं। हाँ जी, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम LDA को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमारा स्टेप वन में है ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमारा स्टेप वन क्या कहता है, हमारा स्टेप वन कहता है कि आप चेक करो LED एनोड को, LDA को चेक करो, LDK को चेक करो, CABC को चेक करो, और इन तीनों का GR होना चाहिए 250 से लेकर 800 के बीच। अब क्या करें, सबसे पहले हम इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसका LDA LDK कहाँ आता है, और उसके बाद हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो हम डायरेक्टली चल के इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल लेते हैं। हवावे के फ़ोन्स में मिलेगा आपको Redmi 7A हार्डवेयर सॉल्यूशन, LCD लाइट का सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें बस इतना ही फ़ायदा है कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा LDA डिस्प्ले कनेक्टर में कहाँ आता है, लेकिन इसकी हम स्पेशल ट्रिक भी बताएंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं बता सकते। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पूरा सर्किट कैसे हम इसको ढूंढेंगे। तो देखो अगर आप देखेंगे तो ये है LDA, ये है हमारा LDA, ये हमारा LDK जस्ट इसके बराबर में, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। ऑनर 7A का ये फ़ोन है और धोखे से Redmi 7A निकल गया मुझसे, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। अब 8 यहाँ से अगर हम इसके अकॉर्डिंग गिने तो ये टोटल मिला के 8 नंबर पिन में हमारा PWM आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, डायरेक्टली इसका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करें। 1, 2, 3 पर एक पे LDA आ रहा है, 2, 3 पर आ रहा है हमारा LDK, हमारे अकॉर्डिंग हमने जैसा इसको काउंट किया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं हम इसका चेकिंग करने। चेकिंग के लिए अभी आपको हमारा मल्टीमीटर भी दिखाते हैं। देखिए मल्टीमीटर आपको शो हो रहा होगा और अभी हम इसको समझेंगे पूरा कैसे। देखिए तो ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, ओके। डिस्प्ले कनेक्टर हमारा ये है और इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा ये डिस्प्ले कनेक्टर आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियरली दिख रहा होगा। हम रेड प्रोब को करेंगे ग्राउंड जैसा कि हमने आपको ट्रबल शूटिंग प्रोसेस में बताया था, और ब्लैक प्रोब को इस पर रखेंगे। तो हमें GR मिला कितना, 513 GR तो मिल रहा है, इसमें कितना 513 प्रॉपर GR है। बराबर में चेक करेंगे LDK, इसमें भी देखो GR मिल रहा है लेकिन कितना ओम्स मिलना चाहिए था, हमने आपको बताया था। एक सेकेंड, एक और काम करते, ये ना अभी डायोड मोड पे है ही नहीं एक्चुअल में, अब डायोड मोड पे पहुंचा, दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए अभी इसमें जो GR है वो एक्चुअल का GR है 721, और एक काफ़ी ज़्यादा हाई GR भी है ये एक तरीके से। इसमें चेक करते हैं, देखो इसमें बीप के साथ आपको 4 रीडिंग मिल रही है देखने को। आपको लास्ट वाली रीडिंग से मतलब नहीं रखना, जैसा कि हमने बताया 4 ओम से लेके 10 ओम तक का रजिस्टर लगा होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पे हमारा आना चाहिए था PWM।
तो देखो वो भी प्रॉपर आ रहा है। अब ये स्टेप है हमारी, इसके अंदर स्टेप वन, देखिए अगर हम बात करें तो स्टेप वन हमारी पूरी कंप्लीटली ओके है, सारे हमको जीआर मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है। अब क्या करें, मेन चीज आती है अब क्या करें। अब देखो बात करते हैं हम इसको स्टेप टू, स्टेप टू है हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग ऑन कंडीशन पे करनी है, हम इसमें चेक करेंगे 15 वोल्ट से एलईडी ए पे 15 वोल्ट से लेकर 40 वोल्टेज और सीएबीसी पर हम 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम कर लेते हैं फोन को ऑन, ऑन करेंगे और डिस्प्ले लगा देंगे। तो ये जितनी भी चेकिंग है ये हम लाइट आईसी के पास करेंगे फोन को ऑन करने के बाद। चलिए हम इसकी चेकिंग को समझते हैं, क्या इसकी चेकिंग का फंडामेंटल है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस फोन को करेंगे ऑन और ऑन करके हम इसकी डिस्प्ले लगा देते हैं। इसके अंदर डिस्प्ले हमें इन करना पड़ेगी तभी ये फोन ऑन होगा। और ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारा जो सीएबीसी है और पीडब्ल्यूएम है वो हमारा 1.8 वोल्टेज बना रहा है और हमारा 3.7 से 4.2 वोल्टेजेस बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम इस बोर्ड को थोड़ा सा तिरछा करते हैं ताकि ये काम हमारा आसानी से हो जाए, या फिर हम इसमें एक काम करेंगे जैसे भी आपको बेटर लगे, जिस तरीके से आप इसको ऑन कर सकते हैं। मैं इसमें डीसी केबल लगाकर ऑन करूंगा इस फोन को ताकि आसानी हो जाए इसको चेक करने में। देखिए मैंने इसमें डीसी केबल को लगा दिया और फोन को क्या करते हैं हम इसको थोड़ा तिरछा करके रखते हैं। पहले हम फोन को ऑन कर लेते हैं डीसी केबल लगाने के बाद प्रॉपरली, ऑन होने के बाद ही हम इसमें काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये फोन ऑन हो गया, अब हम इसकी चेकिंग स्टार्ट करेंगे। सॉरी ये निकल गया इसकी केबल, इसको बड़ा ध्यान से हमें चेकिंग करना पड़ेगी क्योंकि इसकी केबल का फंडा रहेगा ही रहेगा, ये निकलेगी लगेगी तो इसको बड़ा ध्यान से हमें चेक करना पड़ेगा। हमें इस पर एक टेप लगा लेते हैं ताकि ये जल्दी निकले। मैंने इसको एक टेप से कवर अप कर लिया है और ताकि ये निकले ना आप और आसानी से चेकिंग हो जाए। पावर की को हमने प्रेस किया और नेक्स्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो है इसके नीचे हम कोई कपड़ा रख लेंगे या कुछ भी रख लेंगे ताकि हमारा कोई शॉर्ट सर्किट किसी तरीके का ना हो पाए। हमने इसको ऑन कर लिया है फोन को, हमारा डीसी रीडिंग में हमको सारा पता चलेगा, जैसे कि डीसी रीडिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई थी। अब देखिए ये हमने इसको थोड़ा क्लीन कर लिया ताकि आपको बेहतर दिखे, और सारे लोग बता देना अगर ये पूरा प्रॉपर नहीं दिखे ना, अगर किसी तरीके का ये इसमें थोड़ा धुंधलापन भी आता है तो भी बताना। तो अब इसकी चेकिंग करते हैं और डायोड के एक साइड हमको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। अब हम इसको वोल्टेज मोड पर डालेंगे, तो डीसी वोल्टेज मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे डाला, इस साइड हमें 15 वोल्ट से लेकर 40 वोल्टेज तक मिलना चाहिए था। तो देखिए इधर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा, इधर मिल रहा है, इधर चेक करते हैं, इधर भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, इसमें यहाँ पर मिल रहा है हमारा, इधर भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पर इस डायोड पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए था क्योंकि ये हमारा एलईडी एनोड की तरफ जाता है, ये एलईडी एनोड की तरफ जाता है जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर पे होता है
यहाँ पर हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलना था, लेकिन यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर किसी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं, तो थोड़ा हमारा पीसी डाउन हो रहा है और इसमें हम कनेक्शन लगाएंगे, थोड़ा पावर देते हैं इसको। हाँ ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं है, तो देखो फॉल्ट तो हमारा यहीं से पकड़ गया, फॉल्ट हमारा हॉट टेस्टिंग में आके हमने पकड़ लिया, हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो ये है हमारा, इसमें दो ट्रैक है, एक क्या है हमारा ये देखो, ये वही ट्रैक है जहाँ से बूस्ट वोल्टेज ओके 15 वोल्ट से लेकर 40 वोल्टेज में कन्वर्ट होता है ओके। और ये वो है यहाँ पर, ये जो VPH यहाँ पर आता है इस कॉइल से लेकर यहाँ पर, ये VPH आता है 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज तक। अब हम एक काम करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या ये वोल्टेजेस, क्या ये वोल्टेजेस यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं। हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि ये हमारा चार नंबर पे जो कि हमारी स्विचिंग की लाइन है, ये जो स्विचिंग की लाइन है यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं, जैसे कि हमने देखा था। तो यहाँ पर हम जाने के लिए, चेक करने के लिए हम एक ट्विज़र का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा कहीं पर शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं और यहाँ पर रखते हैं, फ़ोन अब भी हमारा ऑन है, लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा, ब्लर दिख रहा है, ओ सॉरी कैमरा नहीं आ रहा। बता दिया करो, ज़ोर से बता दिया करो, कोई नहीं ठीक है, आप सभी लोगों के लिए देखो क्लियर दिख रहा है या नहीं जी। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई वोल्टेजेस है ही नहीं, चार नंबर पे वैसे वोल्टेजेस कितना मिलना चाहिए हमारा 3.7 से लेकर 4.2। छह नंबर पे वोल्टेज है या नहीं ये देखते हैं, छह नंबर पे वोल्टेज है, एक सेकंड दोबारा से देखते हैं, शायद ये हिल गया हो। देखो छह नंबर पे वोल्टेज है 4.1 से लेकर 3.7 से लेकर 4.2 ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी यहां पर देखो इसका सर्किट कैसे काम कर रहा है, सर्किट देखिए, मतलब ये जो वोल्टेजेस है यहां से, ये जो VPH पावर है इस कॉइल पे यहां पर आ रहा है ठीक है, जो कि इस कॉइल पे आ रहा है 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2। हम जानते हैं कॉइल का सिंबल ये होता है और ये कॉइल इंटरनली शॉर्ट होती है, तो ये ट्रैक यहां पर भी जाना चाहिए राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉइल वर्क नहीं कर रही ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फॉल्ट जाता है वो कॉइल पे जाता है। बाकी अगर हम इस फोन को देखें तो ये फोन काफी हद तक हमें वाटर डैमेज की कंडीशन में दिख रहा है, काफी हद तक हमको वाटर डैमेज की कंडीशन में दिख रहा है। और हमने क्या किया, डीसी केबल, डीसी मशीन को ऑफ कर दिया, क्योंकि हमारा ना इसमें एक कनेक्शन लगा हुआ है जो कि हमने इसमें डीसी मशीन को लगा रखा है, तो हम ऐसे ही इसमें काम करेंगे डायरेक्टली डीसी मशीन को, क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो अभी आपको क्लियर दिखेगा, तो ये वाटर डैमेज सेट है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए ये एक वाटर डैमेज सेट है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स ना गल चुके हैं एक तरीके से। इसमें अगर हम इसको, इनकी रस्टिंग को हटाएंगे ना, तो देखो इनकी रस्टिंग हटेगी। और बाकी आप बता भी रहे हैं, ये लोग, ये जिसका फ़ोन है चंदन जी का, कि उन्होंने बताया 2 साल से ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम क्या करें इसमें, सबसे पहला हम काम करेंगे इस कॉइल को चेंज करेंगे ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या निकलता है। तो हमें यहाँ पर जो कॉइल लगानी पड़ेगी वो 10 माइक्रो हेनरी की लगानी पड़ेगी। तो हम किसी भी 6 लेग आईसी के सर्किट से लगा सकते हैं, D8 के सर्किट से लगा सकते हैं, और इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। हमने इसकी जो स्टोरेज आईसी है उसको कवर अप कर दिया, देखो वहाँ पर हीट ना पड़े, क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड है, और ब्लैक पेस्टेड पे जब हीट पड़ती है तो वो उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देती है, बहुत जल्दी उसकी बॉल्स बाहर आ जाती हैं। अभी देखिए, ये देखो अभी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, इसके जो कैमरे हैं वो भी निकालना पड़ेंगे, क्योंकि इसका कुछ भी आउट नहीं किया है। तो ये 2 कैमरे हम निकाल लेते हैं, बाकी हमारा किसी कैमरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे पढ़ना तो इसके ऊपर वाले कैमरे पे भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम निकाल के रख देते हैं।
चलिए अभी हम इस पे स्टार्ट करते हैं वर्क। यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट देंगे। देखो बड़ा सेफ तरीके से हमने इसको निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरेज ऐसी लगी हुई है जिस पर हीट पहुँच गई तो हमारा काम जो कि 2-4 मिनट का है वो काम बढ़ के 10 मिनट का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम कर लेंगे ताकि अब दोबारा जब हम इसमें कॉयल लगाएं जो भी उसको लगाने में हमको इतनी परेशानी ना हो। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले कम करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हम इसका 183 कर रहे हैं इस टाइम पे। देखिए हमने इसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया। अच्छा एक और काम करते हैं, हम इस कॉइल को भी चेक करते हैं, क्या ये कॉइल ओपन हो गई थी, क्या हो गया था इसके साथ, ऐसा क्या हुआ कि इसने वोल्टेजेस को आगे भेजना बंद कर दिया। तो ये कॉइल आई होप आपको पूरा प्रॉपर दिख रही होगी। अभी आपको मल्टीमीटर भी दिख रहा होगा, हम इसको डालेंगे डायोड मोड पे और चेक करेंगे। देखिए ये कॉइल ना ओपन हो गई, कॉइल अगर ठीक रहती तो ये बीप देती, ठीक है। तो ये फॉल्ट तो इसमें है, इसमें हमारा कोई शक नहीं, ठीक है। हमारे पास एक फ़ोन है जिसमें 6 लेग आईसी का ही सर्किट लगा हुआ है और इसमें एक बूस्ट कॉइल लगी हुई है, इस बूस्ट कॉइल को हम निकाल लेंगे। चलिए तो अभी हमने इसको काफ़ी ज़्यादा क्लीन कर लिया ऑलरेडी और अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को बोर्ड में लगाएंगे और ऑन करेंगे। जो भी प्रोसेस है अभी हम माइक्रोस्कोप की स्क्रीन के साथ ही करेंगे ताकि किसी को ये ना लगे कि इसमें बोर्ड बदल दिया या कुछ भी। फ़िलहाल में जो भी प्रोसेस है हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हम इस बोर्ड को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। पहले हम इसके नीचे थोड़ा कपड़ा रखेंगे ताकि यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हो ना जाए, क्योंकि अभी हमारा पूरा बोर्ड खुला हुआ है। जब हम इसको पैक करेंगे तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। और यहाँ पर हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं, तो ये हमारा पावर की है डीसी मशीन को ऑन करके। डीसी मशीन को ऑन कर दिया हमने और ये सेकंड वाला हमारा पावर की का पॉइंट है, कोई भी कनेक्शन नहीं ले रहा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये हट गया होगा। चलिए तो देखिए हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं इसमें लाइट आई है नहीं। ऑन किया है हमने इसको और इसमें लाइट अभी भी नहीं आई, फ़ोन ऑन हो गया और इसमें जैसा कि ऑनर लिख के आ रहा है हमको दिख रहा है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा हो। तो क्या करें फिर, दोबारा से ट्रबल शूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करें। जो चीज़ हमारी थी इसमें जो फॉल्ट था, जो हमारा डायोड पे वोल्टेजेस नहीं आ रहे थे, क्या वो आने लगे, इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो करते हैं इस पे काम और इसको देखते हैं क्या जो वोल्टेजेस हमारे इस डायोड पे नहीं आ रहे थे वो प्रॉपर आने लगे या नहीं। तो काम करते हैं यहाँ पर हम इस पे क्या काम करेंगे देखेंगे, चेक करके डीसी मोड पे हम मल्टीमीटर को लगा लेते हैं और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज बने या नहीं। वोल्टेज बन गए 3.1 से लेकर 4.2 के बीच में। अब हमारा ये वोल्टेजेस को क्या नहीं कर रहा, बूस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, इस डायोड का फंडा है क्या है। चलो फिर अभी हम एक काम करते हैं, अब हम चेक करेंगे इसकी 5 नंबर पिन पे 0.3 वोल्टेज से लेकर हमारा 1.8 वोल्टेज तक आना चाहिए। तो अगर आप अभी देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो वोल्टेजेस देखने को मिल रही है
वो मिल नहीं रही, एक्चुअल में आ भी रही है और जा भी रही है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फोन हमारा स्लीप मोड पे चला गया। देखो अभी 0.3 वोल्टेजेस आ गए, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेजेस है वो एक्चुअल में बन रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बार श्योरिटी के लिए फोन को दोबारा से ऑन करते हैं, दोबारा से बंद करके चालू करते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी श्योरिटी हो जाएगी कि हमारी जो वोल्टेजेस वहां पर आ रही है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं। वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, लोगों को एक वहम रहता है कि 1.8 ही आनी चाहिए। नहीं, 1.8 की जगह 0.3 वोल्टेज से लेकर 0.3 वोल्टेज से लेकर 1.8 वोल्टेज के बीच में भी आएगा ना, तो भी हमारी बूस्ट वोल्टेज हो जाएगी। देखो अभी बोर्ड दिख रहा होगा आपको, बोर्ड के साथ साथ अभी आप हम 5 नंबर पे चेक करेंगे और इस जगह पर एक सही प्रॉपर तरीके से हम लगाते हैं। अभी हमने ट्यूजर में लगा रखा है इसको। अभी यहाँ पर 0. देखो अभी ये वोल्टेज ना फ्लक्चुएट कर रही है। एक्चुअल बात क्या है, यहाँ पर ना एक सही तरीके से ये वायर नहीं लग पा रही, इस वजह से फ्लक्चुएशन है। तो अभी देखते हैं, अब देखिए यहां पर जो वोल्टेजेस बने 0.6 वोल्टेजेस, बट इसमें हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन है, ज्यादा नहीं है। ये 0.3 पे आके अप्रोक्स रुक जाना चाहिए। तो देखो 0.3 वोल्टेजेस यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी वोल्टेज जो आईसी की रिक्वायरमेंट है वो मिल रही है हमारी। तो इस आईसी को जो इनेबल होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर मिल रही है, इसमें कोई भी बोल नहीं। अब मेन चीज है, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इसमें कोई फॉल्ट नहीं, बस इसमें आईसी चेंज करोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आईसी को चेंज करें, मैं आप लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी भी दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जरा सा वेट करो, डीएसओ मशीन हम अपनी चालू कर लें। ये जो फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हो, ये ऑसिलोस्कोप से ही चेक कर सकते हो। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर करूं, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी बनना चाहिए वो बनना चाहिए 540 से लेकर 540 किलो हर्ट्ज, सॉरी किलो हर्ट्ज से लेकर आपका 1 मेगा हर्ट्ज तक बननी चाहिए। अब यहां पर हम चेक करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में ये बनाता है। तो इसके लिए हमें फोन को दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि फोन की फ्रीक्वेंसी तभी बनती है जब डिस्प्ले में लाइन आती है। और यहाँ पर एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिस हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हमें चेक करना होता है। ये चीज हम डीएसओ से ही चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे जो मल्टीमीटर्स भी आते हैं इसके लिए, तो उनसे भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन उनका एक फंडामेंट, देखो कॉइल की दूसरी साइड जिधर 4 नंबर वाला प्रोप है उस साइड हमारी फ्रीक्वेंसी आती है, और इस पे हम डायोड पे भी चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो ये 4 नंबर वाली ट्रिप्स है, इस पे जब हम रखेंगे तो यहाँ पर हमें 50 हर्ट्ज के अप्रोक्स, 50 हर्ट्ज के अप्रोक्स हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है। मतलब हमारा 540 540 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 50 हर्ट्ज, ओनली 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब आप लोगों को जहां तक है इसमें दिख रहा होगा कि इसमें एक्चुअल में जो फॉल्ट है वो हमारी आईसी से, आईसी से, आईसी से क्यों। अब रीजन बताता हूँ, इसमें अभी हम चेक कर रहे हैं, देखते रहो बहुत आसानी से अगर आपको दिख भी पा रहा हो। अब इसमें आईसी का फॉल्ट क्यों है, आईसी का फॉल्ट इसलिए है क्योंकि आईसी हमारी कॉइल से स्विचिंग नहीं कर पा रही। अब आईसी अगर कॉइल से स्विचिंग कर पा रही होती तो यहाँ पर एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता। अगर यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता तो इसका मतलब होता, इस डायोड के इस साइड पे भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हमें अप्रोक्स देखने को मिल रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिल जाती और फिर भी हमारी बूस्ट वोल्टेजेस नहीं बनती, तब हमें सिंपली इस डायोड को चेंज करना पड़ता, रेक्टिफायर डायोड को। ये होता है एक एक्चुअल फंडामेंटल और एक प्रोफेशनल लेवल पर रिपेयरिंग। हम सर्किट को देखकर अगर हम चाहें तो इसको बड़ा ही आसानी से भी हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम सर्किट को देखकर इसको समझना चाहते हैं। तो अभी हम इस आईसी को चेंज करेंगे, 6 लैग लाइट आईसी है, बहुत सारे सर्किट में मिल जाएगी। और मेरा एक ही कहना रहेगा आप लोगों से कि आप लोग जब भी यूज करें तो आईसी की जगह आप आईसी के लिए जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसके लिए आप स्क्रैप बोर्ड का यूज करें, क्योंकि स्क्रैप बोर्ड आपको ऑलवेज बेनिफिट देगा।
अगर आप न्यू आईसी खरीदते हो तो ये एक अलग चीज है। स्क्रैप बोर्ड के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा खुद का स्क्रैप बोर्ड का काम है उसके लिए। तो देखिए अभी हम आईसी को चेंज कर रहे हैं और ये जो चेंजिंग प्रोसेस है हमारे बराबर में स्टोरेज आईसी लगी है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करके हम इसको चेंज कर रहे हैं ताकि हम कम से कम हीट पर इसको अप्लाई कर सके। वैसे कोई इशू नहीं, हम सारे ही काम कर सकते हैं, लेकिन हमें सेफ्टी से हर एक चीज को चलना एक सही बात होती है। देखिए अभी आपको आईसी दिख रही होगी। हाँ जी, तो अभी हमारी इसमें जो आईसी है वो हमने परफेक्टली लगा ली है और आईसी लगाने के बाद हम इस फोन को ऑन करते हैं। तो पहले हम फोन को ऑन करते हैं और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार फ्रीक्वेंसी देखी थी तो कितनी कम फ्रीक्वेंसी थी, और वही फ्रीक्वेंसी हम फिर दोबारा से चेक करेंगे कि हमारा क्या फंडामेंटल निकलता है उसमें। देखो हमने इसको लगा लिया और अभी हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस डायोड के इस साइड। यहाँ पर हमें अभी फ्रीक्वेंसी का जो माप है वो नीचे, अगर आप देख पा रहे होगे साइड में दिख रहा होगा 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 1.13 मेगाहर्ट्ज, 1.17 मेगाहर्ट्ज, सभी को दिख रही है? जी सर। तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, उस टाइम पे इतनी आ रही थी? नो सर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, दूसरी साइड पर हमारे बूस्ट वोल्टेज भी बन रहे होंगे। जी सर। कितना वोल्टेज है? -19 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारी प्रोब उल्टी लग गई है। तो यहां पर ये देखो कितना वोल्टेज, 19 वोल्टेज। पहले कितना था? 4 वोल्ट। मतलब वोल्टेज पहले बूस्ट नहीं हो रहा था, अभी प्रॉपर बूस्ट हो रहा है। जी सर। अच्छा, अब एक और चीज हम देखते हैं, यहां पर जो हमारा 1.8 आना चाहिए वहां पर हमारा अभी कितना वोल्टेज आ रहा है? देखो 1.8 से कम भी आता है वहां पर वोल्टेज, ऐसा नहीं पूरा प्रॉपर 1.8 ही आता है, वहां पर कम भी आता है। तो वहां पर हम देखते हैं कितना आ रहा है इस टाइम पे वोल्टेजेस। देखो 0.5 वोल्टेजेस पे ये ऑन हो गई। कितना? 0.5 वोल्टेजेस। तो 1.8 वोल्टेजेस की नीड हमको नहीं है। देखो अभी यहां पर ये स्लीप मोड पे चला गया। क्या हुआ? स्लीप मोड पे चला गया। इस पे ये, इस वजह से इसमें कितने वोल्टेज दिखा रहा है? 4 वोल्ट। हम इसको दोबारा से ऑन कर ले फिर। जी सर। देखने के लिए देखो, आप लोगों का सेटिस्फेक्शन ही हमारा काम है। जब आप लोग सेटिस्फाइड हो जाओगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए यहां पर अभी कितना वोल्टेज, 19 वोल्टेज। ठीक है, और यहां पर ये जो हमारा 1.8 बनना चाहिए 5 नंबर पे, ठीक है, यहां पर कितना वोल्टेज बन रहा है, मतलब कितना वोल्टेज पे ये आईसी को इनेबल कर रहा है, इस चीज को देखो 0.5। मतलब 1.8 वोल्टेजेस की नीड हमको नहीं है, 0.5 वोल्टेजेस पे भी हम इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें अभी हम देखेंगे इसको, अब हम देखेंगे कि अभी हमने जो फोन ऑन किया है क्या ये परफेक्टली ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमने डीसी मशीन को फिर दोबारा ऑफ किया है और इस फोन को हम फिर दोबारा से ऑन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है, क्या इसका डिस्प्ले का जो फंडामेंटल्स थे वो ठीक हुए और हमने किस तरीके से जो एक परफेक्ट प्रॉपर फॉल्ट था उस फॉल्ट को ही हमने समझा। तो अभी हम देखेंगे। तो देखो अभी आप सभी लोगों के सामने जैसा कि हमने ट्रबल शूटिंग प्रोसेस अपनाया और उसके बाद हमने इसको जैसे स्टेप बाय स्टेप ऑन किया, एक एक चीज को, ऐसा तो नहीं कि तुक्का भेड़ हम चीज निकाल रहे हैं डाल रहे हैं, तुक्का भेड़ निकाल रहे हैं डाल रहे हैं, जो चीज हमने निकाली उसका आपको रीजन बताया क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई सभी को? जी सर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस फोन को ऑन करते हैं, देखते हैं क्या इसमें लाइट आती है। एक सेकंड, ये हमारी डीसी मशीन को हमने ऑफ कर दिया था क्योंकि इसमें ना हमारा एक, हमने इसमें जोड़ रखा है इसको, तो जरा चेक करके बताओ क्या इसमें ग्राफिक्स आया और लाइट दोनों आया? आ गया सर, आ गया, आ गया। ठीक है, तो अब ये देखो ये जो फोन है कितने दिनों से पड़ा हुआ था। तो एक बार हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं चंदन जी, उनसे एक बार फिर दोबारा से बात करेंगे
और उनकी एक बार इस खुशी का राज भी जानेंगे कि वो कैसा खुश हैं और क्या उनको यहाँ पर उनका ये जो फोन जो उम्मीद लेके आए थे उनको परफेक्टली पूरा हुआ। चंदन जी आ जाइए सर। अच्छा चंदन जी ये बताओ, ये फोन जैसा कि आपके यहाँ पर 2 साल से पड़ा था जी सर, इससे पहले आप एक और इंस्टीट्यूट में आए थे दिल्ली में? यस सर। कितना टाइम पहले आए थे? 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो ये फोन लेके नहीं आए क्या? नहीं सर। नहीं लेके आए। अब जो फोन ये आप लेके आए हो एक उम्मीद के साथ, तो ये फोन आपका डन भी हुआ प्लस आपको सीखने को भी मिला। मतलब इस तरीके का कोई और फोन आया तो कितने दिन पड़ा रहेगा? कितने दिन पड़ा रहेगा? 2 साल 3 साल? कुछ भी नहीं। एक भी दिन नहीं? एक भी दिन नहीं। उसी दिन डन करके दे दोगे? यस सर। कोई भी? कोई भी। अच्छा मैं अगर बोलूं कि आप कोई अगर देखना चाहता है, कहां से रहने वाले आप? झारखंड। झारखंड में किस जगह? जमशेदपुर। जिला? जिला जमशेदपुर ही है। क्या है? पूर्वी सिंहभूम। तो जो भी अगर आना चाहते हैं तो इनके पास कोई भी अपना फोन, देखो पूरा परफेक्टली ऑन हो गया। ठीक है, इसका पासवर्ड वगैरह आपको भी नहीं पता होगा शायद? नहीं पता ना। और बाकी ये टूटा फूटा है पूरी तरीके से। तो अगर कोई भी अगर टेस्ट लेना चाहते हैं तो एक बार आपके यहाँ पर फोन भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। बना के दोगे? एकदम बना के दूंगा। अगर कोई भी वहां से आने के बाद आप यहाँ से जाओगे तो आपके यहाँ पर फोन भेज सकते हैं? एकदम भेज सकते हैं। बता दो एड्रेस, बता दो एक बार, क्या एड्रेस है आपका? जमशेदपुर न्यू कॉलोनी जुगसलाय 12/25। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे स्टूडेंट्स के पास जाकर भी अपना फोन रिपेयर करा सकते हो और देख सकते हो, कोई नहीं बैठ जाइए, देख सकते हो कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में किस लेवल पर सिखाया जाता है। बाकी अगर आपने इस पूरी वीडियो को प्रॉपर देखा होगा तो लाइट सेक्शन का फॉल्ट तो नहीं जानेगा। जो लोग डीएसओ रख के सिर्फ एक भरमबाजी करते हैं कि हम डीएसओ भी बताते हैं, क्या बताते हो डीएसओ में कि लाइट सेक्शन पे कितनी फ्रीक्वेंसी बनती है, क्यों बताते हो, कैसे बताते हो, तो वो चीज हम आपको बताते हैं। लेकिन यहां पर मैंने इस वीडियो में लाइट सेक्शन की सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी जो लाइव थी वही बताई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो इस तरीके की अगर नॉलेज चाहिए तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच अभी चल रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में अभी सीट अवेलेबल है, तो आप अपनी सीट बुक करा सकते हो आप। और हमारी जो चैनल है उस चैनल पर जाओ, देखो पहले स्कीमेटिक लेवल हम किस डीप कितना डीप लेवल पे जाके समझाते हैं। हमारे चैनल पे 1,000 वीडियो नहीं पढ़ रखी, हमारे चैनल पे कुछ स्पेसिफिक वीडियो पढ़ रखी है जिनको हम एक परफेक्ट लेवल पर ही बनाते हैं। और जिनको लग रहा है ना ये छोटी प्रॉब्लम है तो वो ना एक तुक्के में ही काम करेंगे कि कभी लाइट को चेंज कर दिया, लाइट की कॉइल को, कभी आईसी को, लाइट आईसी को, उनको एक परफेक्ट रीजन नहीं पता होगा कि मैं इस चीज को चेंज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट।